अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ये जो हमें कीटोनिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किस में रहेगी, तो देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ओके। ए वाला यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। ए वाला हमें मालूम है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और लास्ट में हम देखते हैं ऐसे बनेगा। तो हमें देखना है अगर कहीं पे स्टेबिलिटी अटेन होती है तो वो चार सेपरेशन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन में, अगर चार सेपरेशन होने के बाद जो ये रिंग है उसमें 2π इलेक्ट्रॉन रहता है और ए वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बनता हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ए वाली रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर एक्वायर करती है, किसी और में होती है नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो हम बोल सकते हैं चारों में जब चार सेपरेशन हो जाएगा तो सी वाला जो ऑप्शन है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर एक बार होता है, तो एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से ये चार सेपरेशन स्टेबिलाइज हो पाएगा, तो सी वाले ऑप्शन की डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा रहेगी। तो हम बता सकते सी इज़ अवर करेक्ट आंसर।